था धर्मांतरण का खेल। प्रार्थना करने के लिए जुटे थे 50 से ज्यादा लोग। धर्म परिवर्तन की आशंका के बाद भीड़ ने घेरा। बोले, 3 साल से हर संडे दे रहे पैसों का लालच। जयपुर जिले के चौमू कस्बे में धर्म परिवर्तन की सूचना पर हड़कंप मच गया। रैगर मोहल्ले में एक मकान में टेंट लगाकर प्रार्थना सभा की जा रही थी। मकान के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग जुटने लगे और आरोप लगाया कि कुछ लोग 3 साल से हर संडे प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने धर्म विशेष के व्यक्ति पर भोले भाले लोगों को फंसाकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अरे फिर कुछ लोग पैसा लेके और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। सूचना के बाद चौमू पुलिस की टीम रैगर मोहल्ले में रहने वाले राजेंद्र रैगर के घर पहुंची। वहां 50 लोग प्रार्थना सभा में शामिल थे। जयपुर का कालवाड़ निवासी सतेंद्र स्टीफन प्रार्थना कर रहा था। पुलिस ने उससे भीड़ जुटाने संबंधी परमिशन के बारे में पूछा। परमिशन न होने पर पूछताछ के बाद पुलिस ने कार्यक्रम को बंद करवा कर मामला शांत कराया। हालांकि पुलिस धर्म परिवर्तन जैसे मामले से इनकार कर रही है। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि रैगर मोहल्ला गंगा माता मंदिर के पास में राजेंद्र रैगर के मकान के अंदर सत्येंद्र स्टीफन जो क्रिश्चियन है कालवाड़ रोड जयपुर में रहता है वो टेंट लगा करके लोगों को कोई प्रार्थना वगैरह कराता है। इस पर वहाँ स्टाफ और हम वहाँ पहुँचे और क्रिश्चियन से पूछताछ की तो उसने बताया कि हम ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं और जिससे कोई पाइल्स बीमारी या गंभीर रोग होता है उसका इलाज करते हैं। धर्म परिवर्तन जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है और उसको परमिशन के बारे में पूछा उसने होना बताया। फिलहाल मौके पर शांति है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बिना परमिशन आयोजन न करने के लिए लोगों को पाबंद किया गया है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए हीरालाल सैन की रिपोर्ट। बारा शहर के कोटा रोड स्थित होटल राज पैलेस में डॉक्टर्स और होटल संचालक के बीच हुई मारपीट के मामले में व्यापार महासंघ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। व्यापार महासंघ अध्यक्ष योगेश कुमरा की अगुवाई में व्यापारी कोतवाली थाना प्रभारी के रामविलास मीणा से मिले। व्यापारी ने कहा कि होटल संचालक से मारपीट कर कांच के गेट पर पटका गया। मामले में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं एसपी ने भरोसा दिलाया है कि एक्शन होगा। व्यापारियों का कहना है कि अगले 2 दिन में डॉक्टरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा बारा बंद कर दिया जाएगा। जैसलमेर में मानवता को तार तार करने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें गाय के साथ एक युवक कुकृत्य करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो जैसलमेर शहर के बबर मगरा का है जहां हंसराज का बेटा थाना राम जाति गवरिया गाय के साथ कुकृत्य कर रहा है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद बबर मगरा के बाशिंदे रविवार देर रात जैसलमेर शहर कोतवाली पहुंचे और कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। सुबह 5 बजे की घटना है। मैं जैसे निकला तो मैंने देखा कि वो बंदा मतलब अपनी गौ माता है, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी नशर्म की बात है, उसके साथ कुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। और मैंने उसको जैसे देखा तो वो जैसे मतलब मेरी नज़र पड़ी तो वो भाग के अपने घर के अंदर चला गया और इसलिए हम सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मीटिंग के लिए जा रहे थे हम बीके पाड़ी में, उधर के हम लोग जा रहे थे, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, हम अंदर गली के अंदर घुसे तो वो गाय के साथ ऐसा काम कर रहा था, गंदा काम, और हमने देखा और हम उसके पीछे भागे और भाग गया, पकड़ाया नहीं, हमने पीछा किया। रात को लगभग 2-3 बार गली घूमे, पूरी गली में लदा नहीं हमको।
चित्तौड़गढ़ के डुगला के कई ग्रामीण इलाके के किसान जंगली सुअर के झुंड से परेशान हैं। मानसून की सक्रियता के साथ साथ किसानों के खेत में मक्का की फसल की बुआई बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है, लेकिन जिले के मंगलवाड़, सांगरिया, जलखेड़ी जैसे ग्रामीण इलाकों में सुअर के झुंड ने फसल को नष्ट कर दिया है। किसानों ने जंगली सुअर की परेशानी से वन विभाग को अवगत भी कराया, लेकिन वन विभाग ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसे में किसान फसल को सुअर से बचाने के लिए रात में खुद खेत की रखवाली कर रहे हैं। बता दें कि सुअर के झुंडों ने पिछले साल गेहूं की फसल के समय भी किसानों को परेशान किया था। और सुअर खा गए, किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। ये दोबारा वापिस बोनी पड़ रही है, अब वापिस ये ट्रैक्टर लेके खेत में खड़े हैं बोने के लिए, ये तैयारी कर रहे हैं बोने। गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद से आज से स्कूल खुल गए हैं। इसके साथ ही पहले दिन बच्चों ने कक्षाओं में जाकर पढ़ाई भी करना शुरू कर दिया। बीकानेर की राजकीय शहीद मेजर के मजूमदार उच्च प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया हमारे बीकानेर के संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। गर्मी की छुट्टियां खत्म, गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज पहला दिन है और घंटी लगने के साथ ही बच्चे जो हैं वो स्कूल में आ गए हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से अभी हम एक सरकारी स्कूल में खड़े हैं जहां ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो टीचर है वो यहां इन्हें इन बच्चों को पढ़ा रही हैं। और क्योंकि पहला दिन है तो आज संख्या भी काफ़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन धीरे धीरे अब ये संख्या भी बढ़ेगी। टीचर से ही बात करते हैं जी, आज पहला दिन है, कितने बच्चे आए हैं और किस तरह से पढ़ाई करवा रहे हैं आप? आज स्कूल का फर्स्ट डे है बच्चों का, पर बच्चे तो कम हैं, लेकिन हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। आज 7 दिन तक हमारा कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि जो बच्चों को कराना है, प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनका हम तिलक लगा के और टॉफ़ी दे के उनको किसी स्वागत कर रहे हैं, और जो पुराने बच्चे आए हैं उनको पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है कि वो पिछली कक्षाओं का कितना उनको याद है, उस हिसाब से आगे की पढ़ाई कराएंगे। तो कुछ जो साथी नहीं आए उनके लिए क्या कहना चाहूँगा? बहुत बुरा लग रहा है, तो नहीं आए वो, अब कल 30 आए। तो अब रेगुलर आओगे, पढ़ाई करोगे? हाँ। इतने दिन क्या किया छुट्टियों में? घर पर बैठ रीडिंग और राइटिंग की मतलब प्रैक्टिस करी है। खबर सीकर से है जहां पर सांडों को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा